हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक टू नेस पर। दोस्तों मेरा नाम विशाल और आज का दोस्तों वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपका फ़ोन लॉस्ट हो जाता है, मतलब थेफ्ट से या कैसे भी, या कहीं पर आप छोड़ देते, तो कैसे उसको आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप उसकी एकदम एक्यूरेट लोकेशन देख सकते हैं। दोस्तों जो आज मैं वीडियो बता रहा हूँ ना, इस वीडियो में मैं कोई आपको ऐसा ऐप नहीं बता रहा हूँ कि यार आप ये इनेबल करके रखो, ये या फिर ये ऐप डाउनलोड करके रखो, आप अगर कोई सिम चेंज करेगा तो नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी बातें मैं नहीं बताने वाला हूँ। आपको एकदम जेन्युइन तरीका बताने वाला हूं कैसे आप एकदम एक्यूरेट लोकेशन अपने फोन की ट्रेस कर सकते हैं, और अगर आपका फोन कहीं पर गिर जाता है या थेफ्ट चोरी हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है कुछ भी, तो आपके उसमें बहुत सारे ऐसे डेटा भी रहते हैं जो आपको इरेज करने रहते हैं। मान लो फोन नहीं मिल रहा है तो आप एक ही क्लिक से अपने फोन के, अगर आपका फोन कहीं और है फिर भी आप एक क्लिक से आप अपने फोन के सारे डेटा भी इरेज कर सकते हैं। चाहे तो उस फोन में रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और भी कई सारे फीचर्स है, आप उसको कुछ मैसेज दे सकते हैं, तो ये सारे काम आप एकदम इजी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको ये करना है। जैसे दोस्तों ये मेरा एक फ़ोन मैंने अभी यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें मैं आपको लाइव दिखाने भी वाला हूँ कि कैसे ये वर्क करेगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है आपको फाइंड माय डिवाइस। दोस्तों गूगल कर लेना है आपको यहाँ पर फाइंड माय डिवाइस लिख के, और जैसे ही आप फाइंड माई डिवाइस लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है जो फर्स्ट नंबर पे जो लिंक आ जाएगा ना, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों देखिए जो फ़ोन आपकी मतलब लॉस्ट हुई है, तो ये फ़ोन मेरे को यहाँ पर कैसे दिखा रहा है, क्योंकि मैं ये वाली जो फ़ोन यहाँ पर शो कर रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ यार। हाँ, तो मेरी जो फ़ोन है ये J7 Max, यहाँ पर आप देख सकते हैं J7 Max लिखा हुआ है। यहाँ पर ये फ़ोन कैसे सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि इस फ़ोन से जो ईमेल आईडी, जो इस फ़ोन में ईमेल आईडी मैंने खोल रखी है, मतलब मेरी जो ईमेल आईडी इसमें है वही लैपटॉप में भी है। अब ये फ़ोन मेरा लॉस्ट हो चुका मैं मानता हूँ, लेकिन वो ईमेल आईडी हमारे पास है अभी भी। अगर लैपटॉप में नहीं भी खुली हुई है तो आप उस ईमेल आईडी को एक बार लॉगिन कर लीजिए अपने लैपटॉप में। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ फाइंड माई फ़ोन, मतलब ये आपको सर्च कर लेना है गूगल में फाइंड माई डिवाइस, और फर्स्ट लिंक पर आपको आ जाना है। उसके बाद मैं क्लिक कर लेता हूँ सैमसंग J7 Max। अब देखिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के सबसे पहले ईमेल को लॉगिन कर लेता हूँ। मतलब दोस्तों ये ज़रूरी है यहाँ पर कि आपके फ़ोन में एक ईमेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए। जनरली आप सभी के फ़ोन में एक ईमेल आईडी लॉगिन होती ही चाहिए, अगर आप यूट्यूबर है तो यूट्यूब चैनल के लिए होगी, या फिर प्ले स्टोर तो जनरली सभी के मोबाइल में रहता है, आपने उस पर एक अकाउंट जीमेल का बनाया ही होगा, तो वही जीमेल अकाउंट आपको बस यहीं लैपटॉप में लॉगिन कर देना है, और उसके बाद की प्रोसेस। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं रिंग, लोकेट और दोस्तों नेक्स्ट स्टेप। अब मैं आपको सारे फीचर बता सकता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं रिंग पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे फ़ोन पे एक रिंग आ जाएगा, तो सामने वाले यूज़र के पास एक रिंग चले जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फीचर फ़िलहाल किसके लिए है, अगर आपका फ़ोन आपके कहीं घर में या भूल चुके हो तो आप उसके लिए ये वाला यूज़ कर सकते हो, रिंग वाला ऑप्शन। आप रिंग पे क्लिक करोगे तो ये फ़ोन 5 मिनट तक कंटिन्यू फुल वॉल्यूम में, अगर आपने वॉल्यूम कम भी किया होगा ना, लेकिन ये फुल वॉल्यूम में रिंग करेगा। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं रिंग पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रिंग पर क्लिक किया, मैं माइक के सामने आपको सुना रहा हूँ, तो ये फुल वॉल्यूम में स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ और मैं आपको आगे की वीडियो में और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये तो हुआ दोस्तों इतना काम है ना। अब मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिंग के जस्ट बाजू में आप देख सकते हैं लोकेट का ऑप्शन हम लोग को दिया गया है, तो इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हमारी एकदम एक्यूरेट लोकेशन बताएगा आपको, ये डिवाइस जहाँ पर अभी है एकदम एक्यूरेट लोकेशन। ये देखिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं एकदम एक्यूरेट लोकेशन दिखा रहा है। आप इसको जूम करके गूगल मैप की मदद से आप अपने फ़ोन की एकदम एग्जीक्यूट लोकेशन, मतलब एक्चुअली कहाँ पर है वो देख सकते हो फ्रेंड्स, एकदम एक्यूरेट बताता है ये, थोड़ा भी आपको यहाँ वहाँ नहीं बताएगा। तो गूगल मैप के जरिए आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल का चार्जिंग भी, मतलब जितनी है 5% है, तो 5% यहाँ डिस्प्ले पर शो कर रहा है मेरे लैपटॉप के। मतलब अगर ईमेल सिर्फ आपने लैपटॉप पर लॉगिन कर दी तो आप बहुत सारी डिटेल ले सकते हैं अपने फ़ोन की। आगे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर चाहिए, अगर आप FIR वगैरह करा रहे हैं तो उसके लिए जो कि रिक्वायर्ड रहता है, आपके बिल बॉक्स में रहता है या फिर फ़ोन में रहता है, लेकिन फ़ोन लॉस्ट हो गया, बिल बॉक्स आपके पास नहीं है, तो यहाँ से आप इसका IMEI नंबर भी देखिए। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए IMEI नंबर भी हम लोग को मिल गया है इस डिवाइस का। चलिए दोस्तों मैं आगे आपको और बता देता हूँ। ये तो हमारा हो गया कि लोकेशन कैसे देख सकते हो आप, और
रिंग कैसे कर सकते हो आगे की। दोस्तों मैं और चीज़ें बता देता हूँ आपको, फिर से मैं ये बैक पेज पर आ जाता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, चेक रीसेंट सिक्योरिटी इवेंट फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी। तो रीसेंट एक्टिविटी क्या हुई है आपकी फ़ोन पे, जिसने भी आपका फ़ोन लिया उसने क्या एक्टिविटी की है आपके फ़ोन पे, वो भी आप देख सकते हैं। लॉक योर फ़ोन, अगर आपके फ़ोन पे कोई पैटर्न लॉक अगर नहीं रखा है या कोई भी लॉक नहीं है तो आप अपने फ़ोन को यहीं से लॉक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा ही देता हूँ। तो देखिए लॉक योर फ़ोन पे आप लॉक कर सकते हैं अपने फ़ोन को। अगर आप चाहे तो कोई पासवर्ड दे दीजिए, जैसे मैं अभी 123456 फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। और दिस फोन इज़ लॉस्ट, प्लीज़ हेल्प गिव इट बैक। ये बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज यहाँ पर सेट है। अगर आप कोई और मैसेज देना चाहते हैं तो और कोई मैसेज भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर दे दीजिए एक फ़ोन नंबर जिस पे वो कॉल कर पाएंगे। ये फ़ोन लॉक हो जाएगा तो दोस्तों जिन्होंने भी लिया होगा उनके तो काम का ही नहीं जब फ़ोन लॉक हो गया। तो यहाँ पर मैं एक नंबर भी दे देता हूँ, जैसे कि मैं एक नंबर दे देता हूँ जिससे ये कॉल कर लेगा, 8982790926। मैंने यहाँ पर एक नंबर दे दिया और लॉक पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये आप डिवाइस देखेंगे कि लॉक हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों डिवाइस लॉक्ड हो चुका है ना यहाँ पर, और सिर्फ यहाँ पर हमको एक ही मैसेज शो कर रहा है, दिस फ़ोन इज़ लॉस्ट प्लीज़ हेल्प गिव इट बैक। और यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया गया है, कॉल ऑनर, और इसके आगे वो आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाएगा, कुछ भी कर ले आपके डिवाइस को तो ये फ़ोन लॉक हो चुका है पूरी तरह से। सिर्फ एक ही यहाँ पर ऑप्शन है, कॉल ऑनर। तो जो नंबर आपने दिया उस पर उसको मस्ट है कि कॉल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर वो क्लिक करता है तो उस ऑनर के पास कॉल चले जाएगा। अगर आप अपना नंबर दे दें, अपने फ्रेंड का नंबर दे दें, इसी तरीके से आप अपने लैपटॉप से नंबर भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं बता दूँ, और आपको मैं एक दो फीचर्स और दिखा देता हूँ। अगर आपके उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप चाहेंगे कि उसको इरेज भी कर दें हम, अगर फ़ोन नहीं मिलता है तो आप उस डेटा को इरेज करना ज़रूर चाहेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी फाइंड माई डिवाइस से कैसे आप अपने डेटा को भी इरेज कर सकते हैं। तो आपकी फ़ोन में जितने भी डेटा हो आप उसको बहुत ही आसानी से इरेज कर पाओगे। मैं दोस्तों आपको दिखा दे रहा हूँ आगे की वीडियो में। ये देखिए दोस्तों मैं वापस आ गया हूँ अपने फाइंड योर डिवाइस के पेज पे, और सबसे नीचे और भी दोस्तों इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, ट्राइंग कॉलिंग योर फ़ोन, साइन आउट ऑन योर फ़ोन, रीच आउट टू योर कैरियर। तो सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन लॉस्ट हुआ है तो काफ़ी आसानी होगी इसके जरिए, है ना, फाइंड योर डिवाइस के जरिए ढूंढने में। और दोस्तों लास्ट आप देख सकते हैं, कंसिडर इरेजिंग योर डिवाइस। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप अपने फ़ोन के सारे डेटा को भी अगर आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, अगर आईफोन वगैरह, तो उसके लिए भी सेम ऐसा ही आता है, फाइंड माई डिवाइस आईफोन लिख के आप गूगल पे सर्च कर लीजिए और आगे की प्रोसेस लगभग सेम रहेगी। सो मैं फिर से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने पहले किया था, और फिर से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। और जो लास्ट ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे थे, ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने क्लिक किया कंसीडर इरेजिंग योर डिवाइस, तो यहाँ पर लिखा है यस इरेज और नो थैंक्स। अगर आप यस इरेज पर क्लिक करते हैं तो सारे जितने भी डेटा इस फ़ोन में स्टोर है, अगर आपकी प्राइवेसी या पर्सनल चीज़ें हैं, आप चाहते हैं कि वो किसी और के हाथ नहीं लगे, आपने लॉक भी नहीं लगाया, तो यहाँ से आप लॉक भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो सारे डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। और अभी तक मेरे पास, चलिए दोस्तों ये देखिए वही मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक वही पासवर्ड लगेगा जो हमने डाला था, 123456 या जो भी पासवर्ड आप डालते हो तो वही पासवर्ड डाल के ही हम फ़ोन को वापस से खोल सकते हैं। और अगर मैं यहाँ इरेज पर क्लिक करता हूँ तो ये सारा डेटा इरेज हो जाएगा इस फ़ोन से, चाहे फोटो, चाहे इमेज, चाहे सॉन्ग, एवरीथिंग इज डिलीट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मैंने बता दी है, रिंग करने का भी ऑप्शन है, लोकेट भी कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों। लेकिन मस्ट है कि आपके फ़ोन में, डिवाइस में इंटरनेट इनेबल होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में डेटा इनेबल नहीं है तो ये इसमें से आप कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, इंटरनेट मस्ट है इसके लिए। तो बाकी दोस्तों सब ठीक है, मैंने आपको बता दिया, फाइंड माई डिवाइस लिख के आप ये काम कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।